टाइम क्या हो गया कार्तिक? 5:06। कितना? 5:06। 5:06। ओके, अंधेरा ही होगा अभी तो बाहर ना। देखो पता मैं हटा के देख लिया, अंधेरा ही लेकिन वो मैंने 15 मिनट पहले देखा था। मिनट लेट कर दिया, 5 बजे निकलना था। हैं? किसकी वजह से? तेरी वजह से क्यों लेट हुआ? मैंने लेट किया ना सर। तो क्यों किया ना? तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं पता, हमें 5 बजे निकलना था। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। कूल, बाहर तो ठंडी है। हाँ हाँ सर, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, आप कैसे हो जनाब? अभी है अंधेरा, हम हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो जंगल वाला रास्ता उससे 50 किलोमीटर पहले ही रुक चुके हैं अपन। तो थोड़ी दूर जाके जंगल दिन में देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर रात को जाते जंगल एरिया से तो एक तो जंगल नहीं दिखा पाते आपको, दूसरी चीज़ बहुत डेंजर था। ड्राइवर साहब के मुताबिक जो उन्होंने बताया बहुत डेंजर था, और भी लोगों से हमने पता किया डेंजर था, तो जाना सही नहीं था, तो हम यहीं पर रुक गए थे। अब बढ़ते हैं गाइज अब मंजिल की ओर और दिखाएंगे आपको जंगल, डेंजरस वाला जंगल। डेढ़ घंटा लग गया जी, 7 बज गए, 5:30 बजे वहाँ से चले थे, जंगल कर लिया है पार और अभी आ गए हैं खूबसूरत नज़ारे, लेकिन चाय नहीं मिल रही पीने को। ये लॉक क्यों कर देते हो? तो आगे हैं गाइस, रुक गए हैं जंगल पार करके, जंगल वैसे अभी भी है वो सामने है, मतलब थोड़ा थोड़ा रह गया, अब टाउन आना शुरू हो गया है। यहाँ पे जी पियेंगे चाय और सरदार भरा जी साढ़े, सत श्री अकाल जी, की हाल है? छत्तीसगढ़ में सरदार जी, हाँ जी, ट्रक लगे आए हो? हाँ जी। ओके ओके, तो साढ़े ये ने साढ़े ट्रक वाले भरा चाह पीने देखे, मैं सत श्री अकाल बुला लिए, तो गाइस पीते हैं चाय और खाते हैं कुछ हल्का फुल्का। मज़ा आ गया, ताज़ी ताज़ी बन रही थी, सोचा बालू शाही खा रहे, बहुत टेस्टी है। मैं क्या पता नहीं क्या दिखा रहे हो, वो देखो गाइज मारुति सुजुकी का इन्होंने पिकअप ट्रक बना रखा है, बढ़िया 800 को देखो क्या बना रखा है। तो आ गया गाइज सुबह सुबह की चाय, और अगर चाय मिल जाए तो दिन निकल आता एकदम से, चाय बहुत ज़रूरी होती है सुबह सुबह की। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। चलिए गाइस चाय पीने के बाद चलते हैं अब आगे, कहाँ जाना है, जहाँ जा रहे हैं वहीं चलते। अभी और कितना जंगल है महाराज, अभी तो नहीं आएगा जंगल। जो कहावत होती है, बोया पेड़ बबूल का तो काहे भाले आम, है ऐसा कुछ ना? ऐसा कुछ है, मुझे भी अभी याद नहीं। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये बबूल का पेड़ है गाई, ये देखो गोंद निकला, गोंद निकल रहा है इसमें से, गोंद।
आम से भी निकलता है। हाँ, तो आ गए हम एक और गांव में, सुंदर सा गांव है ये, है छत्तीसगढ़ का गांव, और अच्छा है ये भी, पैची पैची है थोड़ा, ये देखो ना कह रहा है, छोटा सा पैच है खेत का इतना सा ही, उसके बाद फिर छोटा आगे नीचे नीचे नीचे, मतलब पहाड़ी नुमा खेत है सारे ये। यहाँ पे हो गया अपना काम शूट आउट, हो गया कंप्लीट, और अब चलते हैं आगे। कहाँ जा रहे हैं अपन? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जा रहे हैं जी। रोड बड़ा बेकार है यहाँ पे ना, रोड का हालत बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब है। गाना चलाने वाला था अभी, रैप मुझे मजा आता है सुनने में, और पंजाबी गाने में रैप ज्यादातर रैप। तो जो मनोज भाई हैं ये कह रहे हैं आप चलाओगे गाने, हमें समझ में नहीं आएगा, मतलब चलाइए अच्छा लगता है लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, नए हैं इसलिए। तो मैं कह मैं पुराने चला देता हूँ, चमकीला लगा दूँ। तो गाइज आप कमेंट करके बताने कि इनको चमकीला समझ में आ जाएगा, पुराने गाने हैं ना पंजाबी। ये रोड देखो यहाँ कितनी ऊपर है ना, अपन रोड बड़ा खराब है लेकिन व्यू बड़ा अच्छा है। सर एक बार पूछना जरूरी होता है, कत्ल कत्ल पता चले हमारे, हमने तो बता ही दिया था ना, हमने भी तो बोला था कि नहीं आएगा, सुबह चाय के साथ एक समोसा खाया था, अभी तक कुछ नहीं खाया। मोस्टली ये वाला जो हमारा ट्रिप है ना, रांची और मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़, इसमें ना ना ब्रेकफास्ट मिल पा रहा है और ना ही हमें मिल पा रहा है लंच, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अभी जूस पियेंगे और फ्रूट ले लेंगे, साथ में फ्रूट खा के गुजारा करेंगे, समझो कि हमारा व्रत है। काहे हंस रहे हो, इनकी हंसी देखो, आए हाय दांत दिखाओ अपने मनोज बाबू। कुछ डाला तो नहीं नमक मीठा? नहीं जी सर, नहीं। कुछ नहीं ना, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत ये मैनुअली हाथों से कटाई हुई है गाइस, और ये देखो ना कैसे सजा के रख दी फसल। रुक जाइए रुक जाइए, ये धान है एकदम लाइन में, मस्त लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। हाँ हाँ हाँ, साथ में रहेगा। तो गाइस ये देखो खूबसूरत सा पौंड, इसमें मछली है और मछली पालन भी करते हैं यहाँ के किसान, और बढ़िया लग रहा है। देखो सनसेट होने वाला है और मुझे जाना है बड़ी दूर, लाइट जा चुकी है, मेरा काम ख़त्म है, लेकिन अभी भी लालच होता है ना, तो थोड़े से ड्रोन शॉट अपन कर रहे हैं। ड्रोन कहाँ है अपना, हो रहा ये रहा ड्रोन। यहाँ से भी काम फिनिश हो चुका है गाइस, अब जाएंगे कहीं होटल में रुकेंगे। कुत्तों का नज़ारा देखो गाइस, कुत्तों का नज़ारा देखो आप, नीचे कर नीचे कर नीचे कर। महाराष्ट्र भी घूम लिया, कर्नाटक भी घूम लिया, पहली बार तेल डलवा रहे हैं गाड़ी में है। तो जी पहुंच गए हैं अपने होटल, मिल गया है होटल हमें, 10 बज चुके हैं और अभी सो जाएंगे, मतलब तगड़ी वाली नींद आने वाली है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा करके आए हैं, मतलब है पास में ही था, 60 किलोमीटर का था, लेकिन बहुत ज़्यादा था सफ़र, हैटिक हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड इतना ख़राब था, तो बताऊँ क्या वो देखिए। हाँ आईडी हमारा चेहरा है सर, आईडी है देख लीजिए, हो गया जी। मुसाफिर हो यारो